मुझे अच्छी तरीके से वो घटना याद है या बता है कैसे मुझे बताई गई संख्या, शायद 150, 200, 300, 400 तक साधुओं की, इतने साधु साथ चलते थे, इतने भिक्षा ले रहे हैं वेदांती, वे क्या साधु थे उस समय के। वो कभी वो करपात्री जी के यहाँ, तो कभी खंडाना जी महाराज वृंदावन वालों के यहाँ, तो कभी उड़िया बाबा के यहाँ, तो कभी वो माँ थी आनंदमयी, अथवा वो कभी हरि बाबा, तो कभी करपात्री जी, तो कभी वो ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी। ये एक उस समय की बात सुना रहे हैं। गांव की ओर ले गए, सिखाना था उसको दरअसल में। गांव में प्राय जो सफाई करती हैं बहनें, उनको उसके बदले रोटी भी दे दी जाती थी उन दोनों। और वो कोई एक सफाई करने वाली बहन, कोई हरिजन भगिनी, धन्य है वे, उनकी महानता तो देखो कि वो आपका कूड़ा करके उठा रहे हैं और उस समय, और हम उसे घृणा कर रहे हैं, हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं। धन्य है वो बहने। तो वो बहन कोई आ रही थी सफाई करके, और फिर घरों से कुछ रोटियां मिलती थी और उसकी टोकरी में रोटी रखी थी ढेर सारी। इधर से ये महाराज जी झुंड के साथ रोका उसे, अरे बहन रुको। रुक गई बहन, घबराई, सकुचाई। हाँ महाराज, तो महाराज ने कहा कि जरा दो रोटी देना, दो रोटी दे दे। वो तो घबरा गई, बोले महाराज आप जानते हैं मैं कौन हूं? क्या मैं जानता हूं, मैं तेरे से जात नहीं पूछी, रोटी मांगी है, रोटी दे। बोले महाराज मैं रोटी कैसे दे दूं, मैं हरिजन हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने रोटी मांगी है, जात नहीं पूछी, कि मैं अपनी रोटी कैसे आपको दूं, कि तेरी रोटी कहां है, ये तू तो कहीं से मांग कर लाई है, अथवा किसी ने दी है, तैने बनाई रोटी ना, तेरे हाथ की है ना, किस घर से लाई है, घर बता दिए। पर वो बड़ी घबराई हुई थी और उसके मुंह से निकल गया कि महाराज जी ये तो सच है कि रोटी मैंने नहीं बनाई, मेरे हाथ से नहीं बनी है, पर मेरी टोकरी में तो रखी है, मेरा तो हाथ लग गया इसमें। तो महाराज जी ने कहा अच्छा, इसमें एक गड़बड़ ये हो गई है कि तेरी टोकरी में रखी है तो तेरी हो गई, पहले तेरी नहीं थी ना, टोकरी से पहले किसकी थी, टोकरी से पहले किसी और की थी। हाँ महाराज, अब टोकरी में आ गई है तो तेरी हो गई, टोकरी से पहले किसी और के हाथ लगे। हाँ महाराज, और अब ये टोकरी में तेरी रोटी और तेरे हाथ लग गए तो तेरी हो गई। चले काम कर, मेरे कमंडल में डाल दे, मेरे हाथ में रख दे, ये साधु की हो जाएगी रोटी, मेरे हाथ में देना इसे, किसी और हाथ से तेरे हाथ में आई है, मतलब किसी और हाथ से उसके हाथ में आई ना, ये रोटी पहले किसी और की थी। हाँ महाराज, अब तेरी हो गई। हाँ महाराज, अब मुझे दे दे, मेरी हो जाएगी, अब साधु की हो जाएगी। और किसको क्या पता लगा, यहां तो कोई जानता नहीं, मेरे कमंडल में डाल, कमंडल में डाल दी, अब मेरा हाथ लग गया,